हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय का उपवास पूरा हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय 20 साल से उपवास कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया और उन्होंने पूरे विधि विधान से अन्न ग्रहण किया। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय सन 2000 में जब इंदौर के मेयर निर्वाचित हुए थे, उस दौरान किसी महात्मा ने बताया था कि शहर पितृदोष से ग्रस्त है, यही कारण है कि इंदौर का विकास नहीं हो रहा है। इसके उपाय के तौर पर महात्मा ने उन्हें ये भी बताया था कि अगर इंदौर के पितृ पर्वत पर भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाए तो ये दोष दूर हो सकता है। तभी उन्होंने पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प लिया था और कसम खाई थी कि जब तक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित नहीं होगी वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब 20 साल बाद उनका ये संकल्प पूरा हुआ है। 15 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर के पितृ पर्वत पर 72 फीट ऊंची 108 टन वजन की अष्ट धातु की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने महामंडलेश्वर चूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज, संत मुरारी बापू और वृंदावन से महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज की उपस्थिति में 20 साल बाद संकल्प पूरा होने पर अन्न ग्रहण किया। न्यूज़ डेस्क।